अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उसमें हम करेंगे एडिशन। सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार चीज़ें जो सी हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, जिसमें एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी और डिवीजन होगी। वैसे ही यूनिट नंबर 2 है और 2.6 है। तो सबसे पहले हम करते हैं एडिशन का। क्वेश्चन नंबर 2 है 2.6 का और उसका पार्ट 4 है, जिसमें दिया हुआ है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा रेज टू पावर 16 माइनस 6 आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस 4 आयोटा रेज टू पावर 25। चूँकि मैं आपको कल पढ़ा चुका लास्ट लेक्चर में भी, आयोटा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है माइनस 1 के, आयोटा क्यूब आपके पास बराबर होता है माइनस आयोटा के, आयोटा की पावर 6 तो मैंने कहा था, 4 तो 1 होता है और 4 जार क्या होता है 16, तो ये 16 आ गया। इधर भी देखें 4 जार 16, आयोटा 4 और आयोटा क्यूब बच गया, और इधर आयोटा की पावर 4 6 जार 24 और एक आयोटा बच गया। फिर उसके बाद प्लस माइनस 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 2 प्लस माइनस 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 6 आयोटा, ये होता है 1 रेस्ट पावर 4, 1 ही आ जाएगा 1 रेस्ट पावर 4 और ये माइनस आयोटा, और ये आपके पास 1 के इक्वल होता है इनटू आयोटा। माइनस 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 क्योंकि ये 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, ये 1 है और ये 6 आयोटा आ गया। उसके बाद ये 1 है प्लस 4 आयोटा, प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा से कट गया, प्लस 3 माइनस 2 1 प्लस 4 आयोटा आंसर। ये था एडिशन का। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन का भी देख सकते हैं। एक सवाल है वो आपको दिया हुआ है, माइनस 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 9 आयोटा, आप इसको हल करें। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा, माइनस 4 प्लस 3, मैंने आपको पहले भी बताया था रियल नंबर रियल के साथ, ऐड और सब्ट्रैक्ट और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, तो ये इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ और रियल रियल के साथ, माइनस 4 में से 3 गया तो माइनस 1, माइनस 9 और माइनस 5 माइनस 14 और आयोटा ऐसे ही साथ आ गया। तो ये आपके हो गए 2 सवाल हल, जिसमें आपने एडिशन भी कर ली और सब्ट्रैक्शन भी कर ली। अब हम इसके साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट 6 का, उसमें उसने आपको दिया हुआ है माइनस 7 प्लस 3 आयोटा इंटू माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। कैसे करना है, बहुत इजी। पहला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं।
तो पहला नंबर आपका क्या है, माइनस सेवन और माइनस थ्री, तो ब्रैकेट लगानी है माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री, माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, फार्मूले का प्लस, फिर माइनस सेवन इंटू अगला नंबर टू एटा है, टू एटा लिख दिया। अब इसका कोटा पूरा हो गया, फिर फार्मूले का प्लस, अगला नंबर क्या है, थ्री एटा, और ये इसके साथ भी, यानी कि ये नंबर इसके साथ भी और इसके साथ भी, माइनस थ्री, फिर फार्मूले का प्लस, थ्री आयोटा इंटू टू आयोटा, माइनस माइनस प्लस, सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन, प्लस माइनस माइनस, सेवन टू ज़ार फोर्टीन आयोटा, प्लस माइनस माइनस, थ्री थ्री ज़ार नाइन आयोटा, प्लस प्लस भी होता है, ये आ गया सिक्स आयोटा स्क्वेयर। ट्वेंटी वन माइनस नाइन आयोटा माइनस फोर्टीन आयोटा माइनस ट्वेंटी थ्री आयोटा, और ये सिक्स इंटू माइनस वन, प्लस माइनस माइनस, ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी थ्री आयोटा माइनस सिक्स, ट्वेंटी वन में से सिक्स गया, फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी थ्री आयोटा। तो आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन कितनी ज़्यादा आसान है, तो इस तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक सवाल और है जो अक्सर बच्चों को थोड़ा सा समझ नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, मैं वो भी आपको करवा देता हूँ मल्टीप्लाई में। टू माइनस अंडर रूट फोर आयोटा, सॉरी माइनस अंडर रूट फोर, थ्री माइनस अंडर रूट माइनस फोर, अब ये सवाल दिया गया, तो कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ गौर करना है। टू माइनस माइनस वन इंटू अंडर रूट फोर, इसको ऐसे लिख लें, माइनस वन ये के अंडर रूट में जब लिख लेंगे तो माइनस फोर बन जाएगा, इधर भी ऐसे किया, ये सेम है, ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, इसको ऐसे किया, बाद में इसको इस तरह अलहदा कर लिया। अंडर रूट फोर किसके बराबर होता है, टू के बराबर होता है, तो टू ये आयोटा के बराबर होता है, थ्री टू आयोटा, तो ये आपके पास शक्ल बन गई। अब आपने करना क्या है, ये बिल्कुल पहले की तरह ही बन गया, ये टू एक बार इस थ्री से मल्टीप्लाई, फार्मूले का प्लस, ये टू एक बार इससे मल्टीप्लाई, ये क्या है, ये आपको क्या दिया हुआ, माइनस टू दिया हुआ है, तो माइनस टू आयोटा, फिर प्लस माइनस टू आयोटा, फार्मूले का प्लस, माइनस टू आयोटा इंटू माइनस टू आयोटा, सिक्स माइनस फोर आयोटा, ये माइनस टू आयोटा को हमने थ्री से मल्टीप्लाई, इधर थ्री लगाना भूल गए, माइनस सिक्स आयोटा, माइनस माइनस प्लस, फोर आयोटा स्क्वेयर, सिक्स माइनस टेन आयोटा प्लस फोर इंटू माइनस वन, प्लस माइनस 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 फोर, छः में से चार गए तो टू माइनस टेन आयोटा, टू कॉमन वन माइनस फाइव आयोटा। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक रह गया डिवीजन का सवाल, और जैसे ही ये डिवीजन का सवाल हुआ तो आपके कम्प्लेक्स नंबर के सारे सवाल इजीली हल हो जाएंगे। उसने आपको सवाल दिया हुआ है, नाइन माइनस सेवन आयोटा डिवाइड बाय थ्री प्लस आयोटा, तो याद रखिएगा जब भी डिनोमिनेटर यानी कि नीचे बटे में आपके पास आयोटा आ जाएगा, जब भी बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, तो आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, बहुत इजी, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दे नीचे वाली टर्म से, लेकिन साइन चेंज होगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये शक्ल बन जाएगी। हमेशा हमेशा ऑलवेज आपने इसको रैशनलाइज करना है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई,
अब क्या करें, सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई मैं सिखा चुका हूँ आपको, तो डायरेक्ट कर देते हैं। 9327 माइनस 9i माइनस 21i और ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7i स्क्वायर, तो ये माइनस 7 आ जाएगा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो मैं आपको लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 27 में से 7 गए तो 20, और इसको ऐड किया तो माइनस 30i, ये आ गया 9, ये माइनस 1 है, माइनस 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, बहुत इजी, 20 माइनस 30i डिवाइड बाय 9 प्लस 1, ऊपर से 10 कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बच गया, 2 माइनस 3i डिवाइड बाय 10, ये से कटा, ये ले जी, आपका सवाल हल इजीली हो गया। आई होप सो आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप डिसलाइक करें और बताएं, हम मज़ीद इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।